अगर आप 40 से ऊपर के हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आपने कई बार देखा होगा कि पैरों में टिंगलिंग शुरू हो जाती है, सेंसेशन चला जाता है और रात के टाइम पे आपको सोने में डिस्टरबेंस होता है। ये बेसिकली आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो अफेक्ट होती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और जब आप रात को नहीं सो पाते तो आप देखेंगे कि एनर्जी, स्टेमिना, फोकस अगले दिन बिल्कुल ही कम हो जाता है। कई लोगों में एनीमिया के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है और ऑफ कोर्स कई लोगों में डायबिटीज के साथ भी। मेजोरिटी ऑफ केसेस होते हैं जहां पे डायबिटीज के साथ ये प्रॉब्लम आती है। अब आप देखिए, आपको अपने आप को चेक करना है, क्या आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पे हैं या फिर आप 50 साल से ऊपर हैं। इनफैक्ट इंडिया में अगर एक्टिविटी लेवल किसी का कम है तो वो 40 साल से ऊपर आके ही वल्नरेबिलिटी शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से या बेरिएट्रिक सर्जरी या फिर बेसिकली जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर जिनकी शुगर मिसमैनेज है और अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, इन द सेंस के प्री डायबिटिक स्टेज में अभी वो है या फिर वो दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट बर्न। तो जनरली ऐसे लोग जब अफेक्ट होते हैं तो उनको काफी टाइम तक तो ये समझ ही नहीं आता कि आफ्टरली हो क्या रहा है, रात को नींद क्यों नहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। इसमें सबसे ज्यादा रोल ऑफ कोर्स शुगर का या डायबिटीज का है और दूसरा जो सबसे बड़ा रोल है वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का, स्पेशली जो वेजिटेरियंस है, क्योंकि विटामिन B12 बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, इसको आपको एक्सटर्नली ही लेना पड़ेगा डाइट के थ्रू। और वेजिटेरियन डाइट में ये एक मेजर इशू है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 अवेलेबल होता है, वेजिटेरियन में थोड़ी शॉर्टेज होती है। तो और भी इसके रीजन हो सकते हैं बट मेजर रीजन यही है। ये एक मेडिकल साइंस का विषय है लेकिन पर्पज ये है कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, आपको इतना वाइज बना दिया जाए कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो एक इंफॉर्म्ड डिस्कशन आप कर सकें और सही डिसीजन ले सकें। तो आप सीक्वेंस देखिए, जब आपको टिंगली या नंब फीट आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपको चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको सोने में दिक्कत होगी और इनफैक्ट काफी लोगों को सोने में दिक्कत पहले होती है तो उनको पता नहीं चलता कि रीजन क्या हो सकता है भैया इसका। लैक ऑफ सेंसेशन ऑफ कोर्स होता है और आपका बैलेंस जो पैरों का है वो गड़बड़ हो जाता है। तो एक्चुअली यहां तक जब आपकी टिंगलिंग शुरू हो जाती है इस स्टेज पे आपको वाइज होना पड़ेगा और आपको फिर अपनी शुगर चेक करानी पड़ेगी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन आप देखें, आप इसको अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं तो ये सिचुएशन डिटोरिएट हो जाएगी और ये प्रॉपर पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेट इन हो जाएगी, जो कि एक कोई अच्छी या सिचुएशन नहीं है। इसमें डॉक्टर का इंटरफेरेंस डेफिनेटली लगेगा, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट ऑन योर पार्ट एंड साइमल्टेनियसली देयर शुड नॉट बी एनी नेग्लिजेंस आल्सो। मैं आपको बेसिकली आप अपनी डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं इन सब के बारे में बताऊंगा। तो एक्चुअली जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, व्हाट एवर मे बी द रीजन, और उसकी वजह से जो आपकी ये जो पेरिफेरल नर्व्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह से फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी या डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। तो आपको दो चीजों पर काम करना है। तो ब्लड फ्लो को आपको बढ़ाना पड़ेगा जहां पे विटामिन B12 का रोल बिल्कुल क्लियर कट है, और दूसरा आपको नर्व को रिपेयर करना पड़ेगा। दोनों ही सिचुएशन जब आप हैंडल कर लेंगे तो ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, नहीं तो अगर आपने इसको अनकंट्रोल्ड या अनअटेंडेड या बगैर डॉक्टर के इंटरवेंशन के छोड़ दिया तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप उस सिचुएशन में पहुंचे। अगर आप देखें तो RBC के फॉर्मेशन में B12 का सबसे ज्यादा रोल है और ये एक इम्पोर्टेंट रोल है। पैरों के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज ये है कि आप थोड़ा सा वेट उठाएं और हील के सहारे चलें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, इट इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज। या फिर आप नॉर्मल ही चलें, वॉक वॉक
और थोड़ा वजन अगर आप उठा लेंगे तो पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा खासा बढ़ेगा। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप देखें तो आप पंजों के ऊपर चल सकते हैं और बाई एनी चांस अगर वहाँ पे अच्छा सॉफ्ट ग्राउंड है जैसा कि मैं कर पा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपके पैरों में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा खासा बढ़ जाना है एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्मूथ रिकवरी फ्रॉम टिंगलिंग इन द फीट। विटामिन B12 का ब्लड फॉर्मेशन में स्पेशली RBC फॉर्मेशन में सबसे मेजर रोल है और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो इंडिया में कोलोसल है। मींस आप समझ सकते हैं उसका रीजन ये भी हो सकता है कि हम लोग काफी लोग वेजिटेरियन है या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट भी लेते हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं लेते। तो आप देखें अर्बन एरिया में कितने परसेंट डेफिशिएंसी और ये बड़ा ऑथेंटिक डाटा है 46%, एल्डरली पीपल साउथ इंडिया बेसिकली 16%, उसके अलावा मेंस में अगर आप देखें तो कितने 77% एज पर दिस डाटा और यहाँ पे रूरल स्लम्स एंड अर्बन एरियाज में कितने परसेंट 67%। अब आप समझ सकते हैं कि जब विटामिन B12 का स्टेटस ये होगा डेफिशिएंसी का तो ऑब्वियसली एनीमिया तो होना ही है, पेरिफेरल रीजन्स में ब्लड सर्कुलेशन पुअर होना ही है, डायबिटीज एक फैक्टर है बिकॉज जैसे ही शुगर बढ़ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि ब्लड का प्रोडक्शन ही नहीं होता और उसमें B12 की जो डेफिशिएंसी है उसका दूसरा मेजर फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप देखें टिंगलिंग अगर हो रही है, नर्व्स को डैमेज जो हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। मैं उस पर इसलिए डील नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप डाइट में अपने एडजस्टमेंट करेंगे तो B12 के साथ B1 और ओमेगा 3 उस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, और बाई एनी चांस अगर आप ओवरवेट हैं तो उस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू या कार्बोहाइड्रेट डाइट थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेगी। तो रिकमेंडेड डेली इंटेक विटामिन B12 का कितना है 6 माइक्रोग्राम, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, और आपकी जो ब्लड में जो लेवल होना चाहिए वो कितना है 160 to 950 picograms per ml। तो ऑब्वियसली आपका सवाल ये होगा कि सर मैं 6 माइक्रोग्राम अगर लेता हूं और ब्लड में तो इतना कम रहता है तो फिर इतना ज्यादा लेने की क्या जरूरत है। उसका रीजन ये है कि जब आप डाइट में लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी एक फैक्टर हो जाता है कि बॉडी कितना एब्जॉर्ब करता है, अदरवाइज अगर आप देखें तो 1 माइक्रोग्राम जो है वो कितना 10 लाख पिकोग्राम के बराबर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको अपनी डाइट में इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेरियंस के पास तो कोई चॉइस एक्चुअली है ही नहीं सप्लीमेंट लेने के अलावा अगर वो अंडा या दूध नहीं पी सकते, लेकिन नॉन वेजिटेरियन में अगर आप देखें तो लीवर में अगर आप देखें तो जो रिकमेंडेड डेली इनटेक है 881% कितने 75 ग्राम में, मींस दैट वे नॉन वेजिटेरियन आर क्वाइट कंफर्टेबल, यू कैन हैव ए लुक। और यहाँ पे फिर अंडे में अगर आप देखें तो 2 लार्ज अंडे दे प्रोवाइड 25% ऑफ RDA, मिल्क में 1 कप 250 ml में कितना 20%, तो उनको कितना पड़ेगा पीना पड़ेगा एक दिन में ऑलमोस्ट 5 कप, यू नो 4 या 5 कप, चिकन में भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सिचुएशन ऐसे डेवलप हो रही है कि आपको B12 तो लेना ही पड़ेगा, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। कई बार जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है और उसका रीजन ये होता है कि जब B12 का एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू नहीं होता, तो दोनों ही सिचुएशन है, B12 अवेलेबल भी होना चाहिए उसका एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे B12 लेंगे और ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपके जो पैरों में जो टिंगलिंग है वो चली जाएगी। ऑफ कोर्स मैं हमेशा एडवोकेट करूंगा कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।